महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अपने आप में कई तरह से खास बने हुए हैं। फिलहाल राज्य में चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। हरियाणा में हार के बाद एक ओर कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जोश से भरी हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके गठबंधन को लगे बड़े झटके के बाद जहाँ विपक्ष के हौसले बुलंद है, तो वहीं हरियाणा में भाजपा को मिले बहुमत के बाद भाजपा भी महाराष्ट्र में इस चुनाव में फिर पूरे जोश में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में चुनावी बयार के बीच गोंदिया विधानसभा सीट से बीजेपी से महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार विनोद अग्रवाल पूरे जोश के साथ चुनावी अखाड़े में डटे हुए हैं। चुनाव में जीत का जोश विनोद अग्रवाल के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज के साथ बातचीत के दौरान विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की जीत का विश्वास जताया। बीजेपी महायुति सरकार में मुख्य पार्टी है। जनता और सभी वर्ग के विकास का वादा बीजेपी के घोषणा पत्र में पहले नंबर पर है। इसी वादे के साथ विनोद अग्रवाल ने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपना आशीर्वाद देकर उनकी जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। एक बात ईमानदारी से बताना, आज गोंदिया विधानसभा में 27 साल का कार्यकाल आपने गोपाल दास जी का भी देखा है, 2 साल कोरोना में गए, 3 साल का कार्यकाल मेरा भी देखा है। जितने विधानसभा में विकास 27 साल में नहीं हुए होंगे, जितना पैसा कोई न कोई माध्यम से, चाहे बोनस का हो, चाहे लाडली बहन का हो, चाहे श्रावण बाढ़ का हो, चाहे सड़े गले का हो, चाहे आपको सम्मान निधि का हो, उससे ज्यादा पैसा और ज्यादा विकास, 27 साल से ज्यादा पैसा और ज्यादा विकास ये 3 साल में हुआ क्या नहीं हुआ? आज गोपाल दास जी के पास में मुद्दे नहीं है, 27 साल में क्या किया ये बताते नहीं, आज वो बताते घूम रहे कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे को आखिरी चुनाव लड़ने दो, मेरे को विकास करना है। अब जिसका आखिरी चुनाव रहता है वो विकास करता है कि क्या करता है? क्या करता है? खुद का विकास करता है। गोपाल दास जी आप ये आखिरी चुनाव जनता का विकास करने के लिए लड़ रहे, गोपाल दास जी आप आखिरी चुनाव गोंदिया विधानसभा का विकास करने के लिए लड़ रहे हैं, गोपाल दास जी ये आप आखिरी चुनाव अपने बच्चों का पुनर्वसन करने के लिए लड़ रहे हो, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए लड़ रहे हो, अपना घर बनाने के लिए लड़ रहे हो, अपना खुद का और अपने बच्चों का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो, अपने बच्चों का और खुद का विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। इस चुनाव में आज देश में जो मोदी जी की सरकार है और पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में मारुति की सरकार है, निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर आज विकास के कार्य हुए हैं, सरकारी योजना का लाभ जनता को मिला है और एक सभी समाज का उत्थान करने का कार्य निश्चित तौर पर सरकार ने किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जनता पिछले लोकसभा में एक फेक नेगेटिव के चक्कर में रही थी, लेकिन इस बार जनता ने अपना मन बना लिया और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मायावती की जीत होगी। गोंदिया विधानसभा में भी मायावती भारतीय जनता पार्टी के कम्युनिस्ट साहब की जीत होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो हमारे विरोधी है अवसरवादी है, भाजप के लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, भाजप के सभी लोग हमारे साथ कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। वो ये जो लड़ाई है एक अवसरवादी नेता के खिलाफ में हमारी लड़ाई है, जो अवसरवाद देख करके हमेशा पार्टियां बदलते हैं, लेकिन कल भी हम वही विचारों से थे, आज भी वही विचारों से और आगे भी वही विचारों में रहने वाले हैं, इसलिए जनता सब कुछ जानती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोंदिया की जो जनता है ये हमें पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। निश्चित तौर पर अनेक विकास के कार्य किए हमने, आगे वाले समय में बहुत सारे मेरा ज्यादा भर मूलभूत सुविधाओं पर रहता है, विकास बोले तो मानव का कल्याण ये संकल्पना रहती है और ज्यादा से ज्यादा मानव को हम सुखी कैसे कर सकते हैं, समृद्ध कैसे कर सकते हैं, उसके जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं, इसके लिए काम करने को मैं प्राथमिकता देता हूँ और यही प्राथमिकता आगे भी मेरी रहेंगी। चाहे कोई भी वर्ग का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, समाज का प्रत्येक घटक, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे हमारी माताएं हो, इन सबका विकास कैसे हो, ये सुखी समृद्ध कैसे हो, इसके लिए हम काम करेंगे और इनको लगने वाले जो जो संसाधन है
वो संसाधन की हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर में निश्चित तौर पर हमारा आने वाले समय में भी पूरा फोकस रहने वाला है। गोंदिया विधानसभा की जनता के बहुत बड़े एहसान मेरे ऊपर में है। मैं अपक्ष था, फिर उन्होंने मुझे एक नया कीर्तिमान स्थापित करके गोंदिया विधानसभा की जनता की सेवा करने की संधि दी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले 5 साल में उन्होंने मेरा आचार देखा है, विचार देखा है, व्यवहार देखा है, मेरे काम देखे है। और मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से मैंने आपकी सेवा की है, ये सेवा अविरत रहने वाली है, मेरे मरते दम तक के रहने वाली है। और इसलिए आप सबका समर्थन मुझे जरूरी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोंदिया विधानसभा के जनता का आशीर्वाद, उनका प्रेम और समर्थन हमेशा मेरे साथ में रहेगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास व्यक्त करता हूँ। विदर्भ ब्रेकिंग भी उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनता से बड़ी संख्या में वोट डालने की अपील करती है।